हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजनि सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेनाइट हब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोग हरियाणा राज्य में फंसे हुए हैं, हरियाणा में जैसे गुरुग्राम हो गया, रोहतक है, अंबाला है या पानीपत है, या हरियाणा में कोई भी शहर में आप फंसे हैं, वहां से आप अपना गृह राज्य जाना चाहते हैं। गृह राज्य जैसे आपका बिहार, ओडिशा, झारखंड, यूपी, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो वहां आप जाना चाहते हो, तो हरियाणा सरकार ने वेब पोर्टल जारी कर दी है। आप ऑनलाइन उस पर रजिस्ट्रेशन करा के आप स्पेशल ट्रेन बुक करा सकते हो। तो आज इसी के बारे में आपको स्टेप टू स्टेप जानकारी देने वाला हूं, तो आप वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो कोई ऑप्शन मिस हो जाएगा तो फिर फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो वीडियो में आप पूरे बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो दोस्तों कि ऊपर में edisa.gov.in लिखा हुआ है, ये इनका वेबसाइट है। और आप या तो ये आप देख के टाइप कर सकते हो अपने ब्राउजर पे, नहीं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आपको जब आप ये क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस आएगा, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इस तरह का इंटरफेस रहेगा और यहाँ पे आप देख रहे हो माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्विस है। तो मजदूरों को जो वहां काम करने गए हैं उनको यहाँ पे नंबर डालना है, तो मैं ये नंबर अपना डाल दिया हूँ और एक ओटीपी आएगा। जब ओटीपी आपका वेरीफाई होगा तब ये फॉर्म खुलेगा, तो मैं सेंड ओटीपी का ऑप्शन दबा दिया हूं। अभी ओटीपी आएगा तो फिर इसमें ओटीपी आपको भरने हैं। ओटीपी जब आप भर दोगे, ओटीपी भरने के बाद फिर आपको आगे का फॉर्म खुलेगा। तो ओटीपी का वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा ओटीपी आ गया है और मैं यहाँ से, मेरा ओटीपी आ गया था और मैं इसको सबमिट कर दिया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ इसलिए कि आप स्किप अगर कर दोगे ना तो कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप भूल जाओगे, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ जाएगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जब ओटीपी आप डाल दोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ऊपर में आप यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है ब्लू कलर से कि हरियाणा राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में हैं, हरियाणा वापस आना चाहते हैं, जो आप हरियाणा वापस आना चाहते हैं उनके लिए है। और जो ये रेड कलर में लिखा हुआ है, मरून कलर जो है, अन्य राज्य के व्यक्ति जो हरियाणा में है अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा धैर्य से, हड़बड़ाहट में आपको नहीं भरना है, आराम से इसको भरिएगा। आप देख लीजिए, अगर हरियाणा से बाहर जाना है तो नीचे वाले पे डालना है, ऊपर वाले पे आप नहीं क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं श्रेणी लिखा हुआ है, तो आप श्रेणी को आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ एग्रीकल्चर वर्कर है, इंडस्ट्रियल वर्कर है, अदर वर्कर है, स्टूडेंट है, टूरिस्ट है, तो आपको अदर वर्कर, आप काम करने के लिए गए हैं तो अदर वर्कर आप टाइप कर दीजिए, अदर वर्कर क्लिक कर दीजिए। अकुप्शन व्यवसाय क्या है, व्यवसाय में भी आप जो भी हो, खेती, एग्रीकल्चर खेती का लेबर हो या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो या किसान हो या जो भी हाउस वाइफ हो या, और इसमें आप जो जो ऑप्शन है आप अगर उसमें कुछ है तो कर दीजिए, नहीं तो मैं अदर लेबर यहां कर रहा हूं, आप जो है वहां कर दीजिए। और यहां पे आपको एम्प्लॉय का, नियोक्ता का नाम है, जो आप अगर जाना चाहते हैं घर, तो यहां पे आपका नाम भरना है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहां आपको नाम भरने हैं। जब आप नाम भर लोगे तो यहां पैलेस ऑफ वर्क, काम करने की जगह, आप कहां पे काम कर रहे हो, जैसे मान लो कोई जगह आपका जिस जगह पे है उस जगह का नाम बताना है, तो वहां का नाम, जैसे गुरुग्राम में कोई जगह है तो आप गुरुग्राम में हो तो वहां पे उस जगह का यहाँ पे नाम लिखना है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे आप किस जगह पे काम कर रहे हो वो लिखना है। और दूसरी है सोर्स ऑफ एड्रेस, मतलब कहाँ से आप हो, तो हरियाणा, तो आप हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो हरियाणा तो है ही, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, मान लो कि मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके मैं दे दिया कि आप अंबाला में हो। एरिया आपको चूज करना है, यहाँ एरिया लिखा हुआ है, एरिया में आपको चूज करना है अर्बन या रूरल। आप अगर गाँव के क्षेत्र में हो तो गाँव डाल दो और शहर में हो तो शहर डाल दो। मैं एक बार यहाँ शहर का डाल दे रहा हूँ, आप ये देख के एकदम आराम से आप भरिएगा। आप गांव है या शहर है आपको यहाँ डालना है। फिर म्यूनसिपल, नगर पालिका डालना है, तो मैं नगर पालिका डाल देता हूँ अंबाला कैंट एमसी। मैं ये तो केवल बताने के लिए, आपको एग्जांपल देने के लिए भर रहा हूँ, लेकिन आप हरियाणा में जहाँ होंगे वहाँ का आपको भरना है, ये नहीं कि मेरा वीडियो जैसे आप भर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आप जिस जगह पे वो जगह भरना है। फिर वहाँ का वार्ड संख्या भरना है, तो मैं ऐसे ही वार्ड संख्या भर दिया। नज़दीकी कैंप है, वहाँ कोई का नज़दीकी कैंप है जो आप भरोगे तो वहाँ का नज़दीक कैंप का ऑप्शन यहाँ दिखाएगा, आप देख लीजिए इतना टाइप का ऑप्शन है। मैं किसी एक को डाल देता हूँ, आपको, आप
के पास जो कैंप रहेगा आपको वही डालिएगा। ऊपर से फ्लैट नंबर, हाउस नंबर और अपार्टमेंट नंबर, आप जहां पे हो आपका घर का नंबर है या कोई फ्लैट लेकर रह रहे हैं फ्लैट का नंबर है या अपार्टमेंट में रह रहे हैं उसका नंबर है, वो नंबर आपको यहां डालना है। सपोज करो मैं 11 डाल दिया। उसके बाद फिर स्ट्रीट है, गली सड़क है, जो सड़क आपका जो गली है या सड़क का जो भी नाम है वो नाम लिख डाल दीजिए। मैं ABC डाल देता हूँ। मैं केवल ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करने हैं, आपको जो आपका गली सड़क वगैरह है वही डालने हैं। कॉलोनी है, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, कॉलोनी सेक्टर एरिया, आप किस कॉलोनी में रहते हो वो यहाँ पे टाइप करना है। मैं भी यहाँ ABC टाइप कर देता हूँ और आपको ये देख के टाइप करना है। अब डेस्टिनेशन एरिया, ये सब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। डेस्टिनेशन एरिया मतलब आपको कहाँ जाना है और किस राज्य में जाना है, आपको बिहार जाना, ओडिशा जाना, झारखंड जाना, यूपी जाना, MP जाना, राजस्थान जाना, आप जहां कहो वहां का टाइप करोगे। मैं बिहार से हूं तो मैं यहां पे एक बार बिहार टाइप कर देता हूं। जिला कौन सा है मेरा, कोई जिला टाइप कर देता हूं, जैसे मैं टाइप कर दिया कटिहार जिला टाइप कर दिया, और वहां का एड्रेस है, आप कटिहार जिला आप जिस जिले के हैं वहां का यहां आपको पूरा एड्रेस लिखना है, कोई आप कॉलम छोड़िएगा नहीं, आपको यहां पे उसका एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस का जो कॉलम है इसमें एड्रेस लिखना है। और उसके बाद फिर यहां पे आप देखोगे ये एक काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यात्रा का तरीका, इसको आपको ध्यान से भरना है। आप देख लीजिए यात्रा का तरीका में, स्पेशल ट्रेन है, बस है, प्राइवेट व्हीकल है, रेंटेड व्हीकल है, तो मतलब स्पेशल ट्रेन है, बस है, प्राइवेट गाड़ी है या भाड़ा से लेके गाड़ी करके जाएंगे। तो मैं तो स्पेशल ट्रेन भर रहा हूं क्योंकि वहां ज्यादातर लोग काम करने के लिए गए हैं, तो आपको स्पेशल ट्रेन भरना है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी भर सकते हैं, नहीं तो आप स्पेशल ट्रेन ही भरिए क्योंकि ये सरकार आपको स्पेशल ट्रेन करा देगी, ठीक है। और आप कोई गाड़ी करते हैं तो फिर आपका अपने फेयर से जाना पड़ेगा अपने भाड़ा देके। और बोर्डिंग स्टेशन, बस स्टैंड आपको यहाँ लिखना है। बोर्डिंग स्टेशन, बोर्डिंग स्टेशन मतलब जहां से आपको चढ़ना है, और डेस्टिनेशन स्टेशन मतलब जहां पे आपको उतरना है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आप कहाँ से चढ़ेंगे, मान लीजिए आप गुरुग्राम से आ रहे हैं पटना, तो आपको पटना डालना है। अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, बोर्डिंग स्टेशन और बस स्टैंड है, ठीक है। तो आप बाई ट्रेन सेलेक्ट किए हैं ना, यहाँ पे ट्रेन सेलेक्ट किए हैं तो वहाँ का रेलवे स्टेशन का आप वहाँ पे नाम डालेंगे, और कहाँ का रेलवे स्टेशन पे उतरना है वहाँ का नाम डालेंगे। तो इसको मैं 2-3 बार इसको इसलिए बता दिया कि ये ऑब्लिक दे के लिखा हुआ है, बोर्डिंग स्टेशन और बस स्टैंड करके, तो कहीं वहाँ बस स्टैंड और स्टेशन में कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये बता दिया हूँ 2 बार। उसके बाद लिखा हुआ क्या आप निवास स्थान से लेकर बोर्डिंग स्टेशन या बस स्टैंड तक परिवहन चाहते हैं, आपको हाँ लिखने हैं, यहाँ मैं हाँ दबा दिया है। क्या आप गंतव्य स्टेशन और बस स्टैंड से घर तक परिवहन चाहते हैं, आपको ये भी हाँ कर देने हैं। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको पूरा आपका डिटेल डालना है, जैसे यहाँ आपका नाम डाल देना है, आप देख लीजिए यहाँ नाम डालना है ये बॉक्स में, यहाँ आयु लिखा हुआ है, एज डालना है, यहाँ जेंडर डालना है, आप महिला है पुरुष है वो डालना है, आपको यहाँ बुखार है, गला खराब है या इनमें से कुछ नहीं है तो आपको इनमें से कुछ नहीं टाइप करना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आधार नंबर उपलब्ध है तो आप यहाँ पे हाँ करोगे, अगर आधार नंबर है तो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड आप डाल दोगे, आपका कौन सा आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है या जो भी आधार कार्ड वोटर आईडी है, और यहाँ पे उसका नंबर डालना है। आप जो भी डालोगे, आधार डालोगे तो आधार का नंबर डालना है, और वोटर आईडी डालोगे तो वोटर आईडी का नंबर डालना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एड मोर फैमिली मेंबर है, मतलब अब जब इसको क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर दिया तो फिर आपको इधर भरने के लिए दूसरे आदमी का नाम आ जाएगा, तो आप जितने आदमी जाएंगे उतना आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, वैसे वैसे आदमी का आपको ऑप्शन मिलते जाएगा। उसके बाद फिर आपको, और हरियाणा में आप किस लिए करने आए थे, तो आप काम करने के लिए गए हैं तो फॉर वर्क कर दीजिए, आप हरियाणा कब पहुंचे थे, तो जब आप पहुंचे थे उसका डेट आपको यहां डाल देना है। डेट डालने के बाद यहां आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप आपको इंस्टॉल करके रखना है अपने मोबाइल में, तो आप आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड है, यहाँ कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर देने, सबमिट कर देंगे तो आपको एक नंबर आएगा, वो नंबर आपको रखने हैं। उसके बाद फिर आपको या तो सरकार आपको SMS द्वारा सूचित करेगा, नहीं तो इस पे आपको स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन दे देगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, और अपने दोस्तों को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज गुरुग्राम का मैं न्यूज देख रहा था, उसमें काफी लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए थे तो भीड़ भाड़ में गए थे, इसलिए क्यों भीड़ भाड़ में जाने हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।